Good morning, six. Today we are going to cover the fourth chapter of your grammar book, that is nouns kind. जिसमें हम study करेंगे nouns क्या है और हमारा main concept है kinds of noun को study करना. सबसे पहले हम देखते हैं nouns होते क्या हैं. They are the names of people, places or things. मतलब कुछ लोगों का नाम जैसे राम, places, ताजमहल, things में wooden table, chair. ये सारी examples है noun की. अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं जो है हमारा काइंड ऑफ नाउन. सो देयर आर फाइव काइंड ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये सारी मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ताकि आपको यहीं से क्लियर हो जाए कौन सा नाउन किस टाइप का होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. एग्जाम्पल: बॉय, सिटी, फ्लावर. अब इसका मतलब क्या है? जब हम कॉमनली किसी चीज को बोलते हैं, हम किसी चीज पर्टिकुलर चीज को जब नहीं बोलते. अगर मैंने किसी बच्चे को आवाज देनी है तो मैं उसको बॉय या गर्ल कहके बुलाऊंगी, ना कि मैं उसको किसी, अगर मैं उसके नाम से बुला रही हूँ तो वो कोई और टाइप का नाउन बन जाएगा. जब मैं उसको नाम से नहीं बुला रही, उसको कॉमनली बुला रही हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन. अब मैं कहूँ कि दिस इज अ ब्यूटिफुल सिटी, तो सिटी हमारा क्या बन गया? कॉमन नाउन, क्योंकि मैंने किसी का, किसी सिटी का नाम नहीं लिया. अगर मैं कहूँ अमृतसर इज अ ब्यूटिफुल सिटी, तो अब अमृतसर हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं पर्टिकुलर सिटी का नाम ले रही हूँ. तो यही है हमारा प्रॉपर नाउन. इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अब इसके एग्जांपल्स देखो: राम, शमिता, लंदन. तो ये हमारे क्या है? किसी चीज का नाम, पर्टिकुलर नाम. अगर मैंने किसी लड़की को आवाज देनी है तो मैं उसके नाम से बुलाऊंगी. तो जैसे मैंने बोला सीता कम है, तो वो क्या है? सीता क्या हमारा बन गया? प्रॉपर नाउन. थर्ड टाइप ऑफ नाउन क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन. किसी चीज का कलेक्शन हो, कुछ चीजों को ज्वाइन किया गया हो. जैसे कि इट इज अ नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल. जैसे कि अ टीम ऑफ गर्ल्स, तो कुछ लड़कियों की टीम जा रही है. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास है. माय फैमिली लिव्स हियर. फैमिली, मैंने ये नहीं कहा मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरे ब्रदर, मेरा सिस्टर. मैंने एक एक को नाम से नहीं बुलाया, मैंने सीधा क्या बोला? फैमिली. तो ये क्या है हमारे? कलेक्टिव नाउन, जहां पे कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. फोर्थ टाइप ऑफ नाउन हमारा होता है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या है? नेम गिवन टू अ मटेरियल और सब्सटेंस और विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. जैसे कि गोल्ड, स्टील. अब इसकी एग्जाम्पल्स है गोल्ड, वुड, सिल्क. तो ये क्या है? किसी चीज का, किसी का मटेरियल. जब हम किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या क्लासिफाई करेंगे? मटेरियल नाउन. लास्ट टाइप ऑफ नाउन हमारा क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको ना हम देख सकते हैं, जिसको ना हम टच कर सकते हैं. इट इज अ नेम गिवन टू एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग विच कैन नीदर बी सीन नॉर टच्ड बट कैन बी थॉट ऑफ. हम सोच सकते हैं, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी. तो हैप्पी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ना हम टच कर सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं. सैडनेस, ना हम उसको टच करेंगे, ना उसको हम देख सकते हैं. तो ये सारे क्या आते हैं हमारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जिसके एग्जांपल्स देखो: ऑनेस्ट,